देखिए आफ़ताब सुल्तान की शायद इनके पास कोई वीडियो नहीं आ सकी, इसलिए इन्होंने ये जो प्रेशर डाला उसके बाद आफ़ताब सुल्तान का पूरा एक करियर जो है इस बात की हमादी करता है कि वो एक उन पोजीशन लेने वाले इंसान हैं, उन्होंने बहरहाल रिज़ाइन करना ज़रूरी समझा। और रिज़ाइन सिर्फ उन्होंने ऐसे नहीं किया कि उन्होंने, बहुत से लोग रिज़ाइन करते हैं जिनकी ग्रीवेंसेज होती है लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए कह देते हैं कि हम पर्सनल रीजंस की वजह से, उन्होंने रीजन स्पेसिफाई किए हैं जी, उन्होंने बताया है कि उन पर दबाव था। और इस चीज को ये पीडीएम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि नैप के चेयरमैन ने ये बाकायदा ये कह के कि मैं इस वजह से रिजाइन कर रहा हूं। जावेद इकबाल साहब की वीडियो आई तो जावेद इकबाल साहब कॉम्प्रोमाइज हो गए और ये उसके बाद की सूरत हाल। और उस वक्त जब ये वीडियो आई थी उस वक्त भी नैप के बहुत से लोगों से मैंने पूछा था और उन्होंने यही कहा कि उसके बाद केसेस में तेजी आ गई थी।